अकेडमी द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर JEE नीट। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि समूचे देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या है, जो अपने विकराल रूप धारण करती ही जा रही है। नए रोजगार के पद का सृजन तो हो ही नहीं रहा है, पर पुराने कर्मचारियों को नियमों का हवाला देकर रोजगार से मुक्त किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला आदिम जाति कल्याण शिक्षा विभाग का प्रकाश में आया है, जहां दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं रोजगार से वंचित किए गए हैं। अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें, जिले में कुल और समूचे मध्य प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, जिसमें पिछले 10-15 वर्षों से लगभग 1260 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश के संयुक्त संचालन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अतिथि शिक्षकों को पद से बेदखल कर दिया गया है और नियमों का हवाला देकर नए सिरे से भर्ती की जा रही है, जिससे वंचित होने की पूरी संभावना बनी हुई है। छिंदवाड़ा जिले के लगभग 100 शिक्षकों को अपने परिवार की चिंता सता रही है, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन, प्रदेश सरकार और आदिम जाति कल्याण विभाग भी इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है, नए पदों का सृजन नहीं हो रहा है, नई भर्ती नहीं हो रही और पुराने कर्मचारियों को पद से बेदखल किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? यह कहना है कर्मचारियों का। शीघ्र हमारी मांगों का निराकरण किया जाए और हमें अपने पद पर बहाल किया जाए, ताकि हम अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। छिंदवाड़ा से हैं, जिसमें हम सभी चारों एकलव्य के अतिथि शिक्षक हैं, और हर साल जो हम लोगों की वैकेंसी आती है, मतलब हम लोगों के रिक्रूटमेंट जो होते हैं, तो वो हम लोगों के केंद्रीय विद्यालय की सूची से होते हैं। लेकिन इस बार जो सोसाइटी, हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है, उसके द्वारा हम लोगों के लिए जो लिस्ट निकाली गई है, वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उसमें हम लोग इतने सालों से जो हम अतिथि अपना कार्य कर रहे थे और अपने सेवाएं दे रहे थे, हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को ना लेकर दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। अचानक से हम बेघर हो रहे हैं सर, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो मतलब हमें वापस रखा जाए अपने पद पर। अभी हम लोगों ने कलेक्टर मैडम से शिकायत की है, नेस्ट में हमने लेटर मेल किया है। मैं 10 साल से हूँ, मैं 2013 से हूँ मैं सर। हम सभी यहाँ कोई और यहाँ पर कोई 10 साल 5 साल सभी हैं, और एक परसेंटेज का क्राइटेरिया भी था हम लोगों के साथ कि 86% से जिनके अधिक रिजल्ट होते हैं उनको फिर से कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call